हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन पाया करी। बहुत ही हेल्दी, डिलीशियस और यमी बन के तैयार होती है। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, और इसमें मैंने एक पाव कप के आसपास ऑयल ऐड कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे, पाए में से बहुत सारा फैट्स रिलीज़ होता है जिसके वजह से काफ़ी ऑयली हो जाता है सालन। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 3 से 4 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 2 तेज़पत्ता, 2 टुकड़ा दालचीनी का और हरी इलायची। बस कुछ देर के लिए इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और फिर हमने इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर लेनी है। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है इसका। तो बस कुछ ही देर के बाद ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको चलाते हुए कुक किया है। आप चाहे तो एक चुटकी नमक इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि ये जल्दी से ब्राउन हो जाए। और फिर हमने इसमें पाए ऐड कर लेने हैं। पाए को मैंने बहुत अच्छे से धोकर उसके ऊपर के सारे जो गंदगी थी वो गेहूं के आटे से रगड़ कर क्लीन करके धो के वॉश करके फिर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ये 4 पाए थे और इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। आधा चम्मच भर के हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड की है। तो लाल मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है, जितना आप तेज़ खाते हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड कर लें सालन के हिसाब से, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम इस समय आपने लो ही रखना है क्योंकि पाए में से थोड़ी देर में थोड़ा सा पानी रिलीज़ होगा और उसी में हम इसको कुक करेंगे। अगर आप पानी ऐड कर देंगे तो फिर उसको सुखाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। अब जब तक ये भून रहा था तो मैंने एक मसाला पेस्ट बना के तैयार किया था, ये देखिए। तो इस पेस्ट में मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और मुट्ठी भर के हरा धनिया ऐड किया था। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और मुट्ठी भर के हरा धनिया, थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ग्राइंड कर लिया है और फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसको हम भून लेते हैं लो फ्लेम पर। थोड़ा सा पानी मैंने जार में ऐड कर लिया है, मिक्सर जार में, जो मसाला था वो निकाल कर इसमें ऐड कर लिया है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कवर करके भूनने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक मसाला अच्छी तरह से पाए को लिपट नहीं जाता है और थोड़ा सा भुन नहीं जाता। इससे थोड़ी सी स्मेल कम हो जाती है पाए की। अगर आप इसको बिना भुने इसी तरह बनाएंगे तो सालन में बहुत स्मेल आ सकती है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको कवर करके कम से कम 10 मिनट छोड़ दिया था और इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, भुन गया है ये, मसाले का कलर भी चेंज हो गया है। और नीचे से आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसने थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज़ कर लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल वैसे भी ऐड नहीं किया था पाए के लिए। तो बस अब इसमें हमने गर्म पानी ऐड कर लेना है। तो गर्म पानी मैंने यहाँ पे कम से कम 0.5 लीटर के आसपास ऐड किया है क्योंकि पाए को गलने के लिए टाइम लगता है प्रेशर कुकर में। आपने पानी अगर कम ऐड किया है तो नीचे लग सकता है वो। तो उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। जो मसाला साइड में लग गया है वो भी मैंने निकाल लिया है और बस ये रेडी हो गया है। तो इसको अब हम प्रेशर कुक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर का लिड कवर करके इसको कम से कम 40 मिनट्स के लिए, 40 मिनट के लिए कुक किया था। 1 विसल हाई हीट पर देने के बाद लो फ्लेम पर 40 मिनट। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइम देखकर गला लें, जितना ज़्यादा टाइम उसको लगता है उतना आप टाइम दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे ही प्रेशर कुकर ठंडा हो गया था तो मैंने इसका लिड खोल लिया था और फिर मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है, सालन अच्छे से रेडी हो गया है। पाए भी मैंने चेक किए थे, काफ़ी हद तक बहुत सॉफ्ट हो गया था ये। तो इसके अंदर अभी मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें चीरा लगा के, आपको अगर ज़्यादा तेज़ चाहिए तो आप चॉप करके ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और कुछ अदरक के जूलियंस इस तरह से कट करके ऐड किया है, इससे फ्लेवर एनहांस होके आता है। तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अगर थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप इस समय इसमें पानी गर्म करके पानी ऐड कर लें। लास्ट में मैंने यहाँ पर 1 कप दूध ऐड किया है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप नारियल का दूध निकाल कर वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे थोड़ी सी थिकनिंग भी मिलती है और क्रीमी ग्रेवी बन के तैयार होती है, उसको बेस अच्छा मिलता है बिकॉज पाए का सालन थोड़ा सा पतला होता है। और अगर नमक आप स्टेज पर चख लें, कम है तो ऐड कर लें, पानी भी आप ऐड कर लें जितना आपको ज़रूरत है, और ये सालन बन के रेडी है।
तो बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको राइस के साथ रिलिश कर सकते हैं। ये ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो हमेशा की तरह रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक पेज है और फेसबुक ग्रुप, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।